सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट OIS कैमरा मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हो 15,000 के अंदर बेस्ट कैमरा सेंटिंग मोबाइल, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे मैंने 4 ऐसी डिवाइस को सिलेक्ट किया है जहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिलने वाला है, उसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले भी मिलने वाला है। तो कैमरा सेंटिंग के हिसाब से ये मोबाइल काफी अच्छा है। तो डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, ये डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G54। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा से कैमरा डिवाइस है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विथ OIS मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड OIS को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको रियर पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। वो पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट, जो 6nm बेस है। और दोस्तों, इसकी जो एंटूतु स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम, जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते हैं काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग की साथ। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 की वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मिलने वाला है। और दोस्तों, ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों, ये एक 5G डिवाइस है, और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले 12 5G बैंड, जो काफी अच्छी बात है। कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB, उसका प्राइस 14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपी का डिस्काउंट मिल रहा है। जस्ट के बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है, तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, डिवाइस का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छी है। और दोस्तों, जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट, जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले। यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। और दोस्तों, और एक चीज इस मोबाइल की अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकती है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहते हैं, पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पर आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा
वाला मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है आईक्यू की तरफ से आईक्यू G7S 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों ये एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वही पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा विथ OIS। हाँ दोस्तों, OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 6nm पे बेस है। और ये एक 5G चिपसेट है जिसके एंटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। वहीं पे आपको हायर वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसके सभी फीचर, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफी तगड़े मिलने वाले। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल या फिर गेमिंग मोबाइल या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं, OIS की सपोर्ट भी मिल जाते, काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है। वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G अभी सेल चल रहा है और सेल पे यहाँ पे मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो जान लेते हैं क्या कुछ आपको फीचर इस डिवाइस में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, आपको मिलेगा 1300 निट पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और यहाँ पे आप हाई क्वालिटी पे कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छा है। सिर्फ दोस्तों डिस्प्ले नहीं, इसके साथ साथ इसकी जो कैमरा है वो भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विथ OIS। हाँ दोस्तों, OIS की सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों इस डिवाइस को आप कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के लिए भी खरीद सकते हो। जैसे कि पता है वीवो के मोबाइल कैमरा के लिए जाने जाते हैं, तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों ये प्रोसेसर काफी तगड़ी है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4500mAh का बैटरी विथ 44W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आपकी जो मोबाइल की चार्ज है वो 25 मिनट पे 50% हो जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला एमोलेड डिस्प्ले, तो इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस नॉर्मल टाइम पे 17,000 रहता है, पर अभी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 15,000 हो जाएगा। इस टाइम पे अंडर 15,000 पे इंडियन मार्केट पे ये मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट है। तो दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला की मोस्ट पॉपुलर डिवाइस मोटोरोला G84, जो एक 5G डिवाइस है। प्राइस की सबसे काफी तगड़े फीचर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको बैक की जो लुक है वो सभी मोबाइल पे आपको सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा,
कलर वेरिएंट काफी तगड़ी तगड़ी है। उसके साथ साथ बैक पे आपको प्लास्टिक और लेदर दोनों वेरिएंट मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है ओनली 166.5 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। उसके साथ साथ बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस PoLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर देखने को मिलेगा। डिवाइस की स्क्रीन काफी स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 120Hz की रिफ्रेश रेट। और दोस्तों आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इस डिवाइस पे आपको 1300 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको OIS की सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक सा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और दोस्तों ये डिवाइस परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट, जो 6 NM पे बेस है। और दोस्तों एक 5G चिपसेट है, इसके एंटीटू स्कोर 4 लाख के आसपास है, तो इस डिवाइस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 8GB प्लस 256GB और 12GB प्लस 256GB। यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 30W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डिवाइस डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है। डिवाइस पे आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा। पर्सनली मुझे जो रेड कलर है वो काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम पे इसकी जो 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस 18,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइस 1,000 या फिर 2,000 रुपए भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 16,000 टू 17,000 के आसपास रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मोटोरोला की ये डिवाइस काफी अच्छे और काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, तो आप जरूर इस डिवाइस के साथ जा सकते हो।